अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेसनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 42, ऑल अबाउट द एटम्स प्रॉब्लम 61। वो कहता है एक्टिव मीडियम एक पर्टिकुलर लेजर के अंदर जिसमें वेवलेंथ 694 नैनोमीटर है, 6 सेंटीमीटर की लंबाई है, 1 सेंटीमीटर का डायमीटर है। वो कहता है मीडियम को ट्रीट करो एक कैविटी के तौर पर, रेजोनेंस कैविटी के तौर पर, कितने स्टैंडिंग वेव्स के नोड्स आएंगे लेजर एक्सिस में। फिर वो कहता है डेल्टा एफ बताओ के आपकी बीम की जो फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट आएगा। फिर वो कहता है डेल्टा एफ इन्वर्सली है टाइम के लेजर के, वो भी हमने शो करना है। फिर वो कहता है कॉरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शनल चेंज बताओ। अब इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा 1.75। अगर हम वो कहते हैं दोनों मिरर आपके परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो हर नोड जो होगा एट द एंड ऑफ क्रिस्टल होगा, तो जाहिर है एंड पे ही बनेगा। तो एक एंड पर्टिकुलर सिल्वर है और दूसरा नोड जो क्लोज होगा दूसरे एंड के, तो हम अज्यूम करेंगे नोड सिर्फ एंड्स पे हैं, तो आपके पास इंटीगर हाफ ऑफ द वेवलेंथ आ जाएगा, यानी लैम्डा बाई टू के बाद में हम बात करेंगे तो लेंथ ऑफ द क्रिस्टल में, तो क्रिस्टल आपके पास आ जाएगा लैम्डा क्रिस्टल लैम्डा बाई एन। अब आपके पास उन वो कहता है कि जी n निकालना है, n यहाँ पे लैम्डा बाई टू उसने खुद कह दिया, 1 ओवर n आ जाएगा और l यहाँ से हम n को साइड पे करेंगे, बाकी फैक्टर दूसरी तरफ कर लेंगे। हमें लेंथ भी पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता है, वेवलेंथ भी पता है, तो 3.03 × 10⁵ आ जाएगा। फिर अब आपके पास उसी टूल को दोबारा इस्तेमाल करके हम लैम्डा की जगह सी बाई एफ कर देंगे, यहाँ से हम एन को उसी तरह रखते हुए एफ दूसरी बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ ले जाएंगे, डेल्टा एन करेंगे तो बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगी, तो डेल्टा एफ ही चाहिए। अब ये फैक्टर दोबारा उधर चले जाएंगे, हमें सी भी पता है, डेल्टा एन भी पता है, एल भी पता है और एन भी पता है, तो 1.43 × 10⁹ आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट सी बाई एन होती है, राउंड ट्रिप में 2L है, तो हम कहेंगे टोटल जो राउंड ट्रिप का टाइम लग जाएगा 2LN/C, यानी आपने टाइम s = vt का सहारा लिया। तो ये टाइम रेसिप्रोकल है चेंज इन फ्रीक्वेंसी के, हमें नजर आ रहा है यहाँ से कि यहाँ पे c L/2N था, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है 2LN/C आ रहा है, तो रेसिप्रोकल है। फिर फ्रीक्वेंसी देखें, सी बाई लैम्डा, सी भी पता, लैम्डा भी पता, 4.32 × 10⁴ है, फ्रीक्वेंसी भी पता है, डेल्टा एफ भी पता है, उसकी रेशियो उठा लेंगे तो वो 3.31 × 10⁻⁶ आ जाएगी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।